स्टूडेंट्स होप यू आर डूइंग वेल। प्रीवियस वीडियो में मैं साइंस और मैथ्स के सेक्शन ए के मॉडल पेपर जो गुजराती लैंग्वेज में था उसे इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसका सॉल्यूशन दे चुकी हूँ। यदि आप अभी तक मेरे उन दोनों वीडियोस को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के मॉडल पेपर के सेक्शन बी का सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन स्टेप वाइज करके मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो छोटे छोटे स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं। मैं स्टेप वाइज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट का डिमांड है कि आप स्टेप वाइज ही समझाइए। इस वीडियो के सॉल्यूशन को देखने से पहले आप चाहे तो गुजराती में लिखे ऑथेंटिक मॉडल पेपर से इसके क्वेश्चन को टैली कर सकते हैं। अब हम लोग सेक्शन बी का सॉल्यूशन करते हैं। सेक्शन बी मार्क्स 18, सेक्शन बी के लिए 18 मार्क्स है। आंसर एनी 9 क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 25 to 36, इट मींस टोटल 12 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में टोटल 12 क्वेश्चंस हैं और उसमें से आपको सिर्फ 9 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। यूजिंग इक्लिप्स एल्गोरिथम फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। नाउ सॉल्यूशन, गिवन टू नंबर्स इक्वल्स टू 135 एंड 225। हियर 225 इज ग्रेटर देन 135। So we will divide greater number by smaller number. अब हम लोग स्टेप वन स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग 225 को 135 से डिवाइड करेंगे जिससे क्वेश्चन आएगा 1 और रिमाइंडर आएगा 90। और इस स्टेप को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 225 इक्वल टू 135 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 90। अब स्टेप टू के लिए हम लोग इन दोनों डिजिट को लेंगे, 135 एंड 90। स्टेप टू में हम लोग 135 को 90 से डिवाइड करेंगे, तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 1 और रिमाइंडर आएगा 45। और स्टेप 2 को हम लोग इस तरह से लिख देंगे, 135 इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 45। अब स्टेप 3 के लिए हम लोग इन दो डिजिट को लेंगे, 90 एंड 45, इट मीन्स 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 2 और रिमाइंडर आएगा 0। चूंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसके बाद का स्टेप नहीं होगा और स्टेप 3 को हम लोग इस तरह से लिख देंगे, 90 इक्वल्स टू 45 multiplied by 2 plus 0. Thus, the HCF of 135 and 225 is 45. Now, question number 26. Find LCM and HCF of 672 and 122 by factorization method. Now, solution, factorization of 672 and 120. अब हम लोग 672 और 120 को factorize करेंगे. तो 6 को जब factorize करेंगे, तो आएगा 2 multiplied by 3. 72 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 टू दी पावर 2 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 3 टू दी पावर 2 आएगा। 120 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 टू दी पावर 2 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 3 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 5 आएगा। अब हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए इन तीनों डिजिट्स के फैक्टर्स में देखेंगे कि मिनिमम पावर किस किस डिजिट का है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 टू दी पावर 1 मिनिमम पावर है और 3 टू दी पावर 1 मिनिमम पावर है। ओके, तो हम लोग HCF निकालने के लिए इस तरह से लिख देंगे, हेयर 2 टू दी पावर 1 एंड 3 टू दी पावर 1 आर द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। सो HCF ऑफ 672 एंड 120 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 6। अब हम लोग LCM निकालने के लिए इन तीनों नंबर्स के फैक्टर्स में मैक्सिमम पावर वाले डिजिट को देखेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 टू दी पावर 2 मैक्सिमम पावर है, 3 टू दी पावर 2 मैक्सिमम पावर है और 1 5 है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, 2 टू दी पावर 3 एंड 3 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू दी पावर 1 आर द ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स 2 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली इन्वॉल्व इन द गिवन 3 नंबर्स। सो LCM ऑफ दीज 3 इंटीजर्स इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 और इसे सॉल्व करेंगे जब तो आ जाएगा 360। इसलिए LCM उन 3 डिजिट्स का हो गया 360। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। द सम एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज 4 एंड 1 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इस क्वेश्चन में 2 जीरोस का सम दिया हुआ है 4 और मल्टीप्लिकेशन दिया है 1 और इन दोनों डिजिट से हमें पॉलीनोमियल बनाना है। नाउ सॉल्यूशन, लेट द पॉलीनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और 4 को हम लोग 4 बाय 1 लिख सकते हैं और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे दिस इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। नेक्स्ट अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इक्वल्स टू 1 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है
और 1 को हम लोग 1 बाय 1 लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है c अपॉन a, तो हम लोग दिस इक्वल्स टू c अपॉन a लिख देंगे। अब यहां से हम लोग देख रहे हैं कि a का वैल्यू 1 हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, a के सामने 1 लिखा हुआ है दोनों ही केस में, तो a का वैल्यू 1 हो गया। देन b का वैल्यू हो जाएगा -4, क्योंकि -b के सामने 4 लिखा हुआ है इसलिए b का वैल्यू -4 हो जाएगा, और c का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं 1 है क्योंकि c के सामने 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे c इक्वल्स टू 1। अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाएंगे जो बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। चूंकि a का वैल्यू 1 है इसलिए हम लोग एक्स स्क्वायर लिख दिए, और b का वैल्यू -4 है तो यहाँ -4 लिख दिए, और c का वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। इन एपी सीरीज 10, 7, 4 एंड -62 फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको दो मेथड से बता रही हूँ, आप चाहे तो किसी एक मेथड को यूज कर सकते हैं। यहाँ इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कि a का वैल्यू 10 है और d का वैल्यू -3 है, क्योंकि जब हम 7 से 10 को माइनस करेंगे तो -3 आएगा, और लास्ट टर्म जो दिया हुआ है वो है -62। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे L और लास्ट टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। 11 टर्म के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूला में वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, तो लास्ट टर्म का वैल्यू है -62 तो यहाँ लिख देंगे, a का वैल्यू है 10 तो यहाँ लिख देंगे, और n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d का वैल्यू है -3 जो कि अभी हम लोगों ने निकाला, तो यहाँ लिख देंगे -3। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस 10 को इक्वल टू के इधर लेकर के आ गए, तो -62 -10 इक्वल टू n -1 मल्टीप्लाइड बाय -3 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को ऐड कर दिए, तो स्टेप हो गया -72 इक्वल टू n -1 मल्टीप्लाइड बाय -3। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग -3 को 72 के नीचे लिख दिए, तो स्टेप हो गया -72 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल टू n -1। नेक्स्ट स्टेप में इसे डिवाइड कर दिया जिससे दोनों माइनस साइन कैंसिल हो गया, और स्टेप हो गया 24 इक्वल टू n -1। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग -1 को इक्वल टू के इधर लेकर के आ गए, तो हो गया 24 प्लस 1 इक्वल टू 1, इट मींस n का वैल्यू हो गया 25। अभी हमारा एक स्टेप पूरा हुआ है, अगला स्टेप हम लोग 11 टर्म को फाइंड करने के लिए करेंगे। इसके लिए हम लोग लिखेंगे नाउ फाइंडिंग द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म मींस फ्रॉम लास्ट 25th टर्म टू 11th, यानी कि लास्ट से हम लोग आएंगे। ओके, तो ऐसा जब आप सोचते हो कि 11 टर्म निकालना है तो आप डायरेक्टली क्या करते हो, 25 माइनस 11 इक्वल टू 14, जो कि ये करेक्ट नहीं है। ओके, तो आपको करना क्या होगा, तो इस तरह से आप रफ में लिख करके चेक कर लोगे कि 11 टर्म क्या आता है, तो हम लोग 25 से लिखना स्टार्ट करेंगे क्योंकि टोटल टर्म जो हमने निकाला वो 25 है। ओके, तो यहाँ 25 लिखेंगे, 25, 24, 23 इस तरह से लिखते हुए हम लोग जाएंगे 11 टर्म तक, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि 15 जो है वो करेक्ट हुआ। ओके, अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे an equals to a plus n minus 1 d। अब इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, an के जगह पर a11 लिख देंगे, इक्वल टू a का वैल्यू जो है -62 लिखेंगे। यहाँ -62 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग रिवर्स साइड से आ गए। ओके, रिवर्स साइड से 11 पोजीशन को निकाल रहे हैं, और इसकी वजह से a का वैल्यू हो जाता है -62 प्लस, चूंकि 11 टर्म निकाल रहे हैं तो n की जगह पर 11 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, और मल्टीप्लाइड बाय d का वैल्यू अब 3 आ जाएगा क्योंकि हम लोग रिवर्स साइड से आ रहे हैं। जब हम लोग फॉरवर्ड साइड से जा रहे थे तो हमारा d का वैल्यू निकला था -3, एक बार चेक कर लेते हैं, यहां देखिए -3 निकला था, लेकिन उस समय हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन अब जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए ये -3 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां हम लोग 3 लिख दिए, और इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा a11 इक्वल टू -62 प्लस 30, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 30 आएगा, और फिर इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आ जाएगा a11 इक्वल टू -32, सो द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज -32। नाउ ऑल्टरनेटिव मैथड, ये मैथड बहुत छोटा है, आप चाहे तो इस मैथड से भी बना सकते हैं, लेकिन इसके भी कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। क्वेश्चन में हमारा एपी सीरीज था 10, 7, 4 डॉट डॉट -62, लेकिन हम लोग इस सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे -62 कॉमा डॉट 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 4, 7, 10। यहाँ पर 10 जो है वो लास्ट टर्म हो गया, और फर्स्ट टर्म जो हो गया वो -62 हो गया, तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे a equals to -62 एंड d equals to 10 minus 7। इसके लिए हम लोग लास्ट टर्म से सेकंड लास्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 10 minus 7 equals to 3।
अब हम लोग फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ए एन के जगह पर ए 11 लिख देंगे, ए के जगह पर -62 लिख देंगे और एन के जगह पर 11 लिख देंगे और डी के जगह पर 3 लिख देंगे, जो कि अभी हम लोगों ने निकाला। और इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा ए 11 इक्वल टू -62, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 30 आएगा, और जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -32 आएगा। इस तरह से हम लोग लास्ट स्टेटमेंट भी लिख देंगे, सो द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज -32। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सम 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। इस क्वेश्चन को हम लोग दो स्टेप में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लोग इसमें कितने टोटल टर्म्स हैं वो निकालेंगे, ओके? तो यहाँ जो सीरीज दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग ए का वैल्यू 34 हो रहा है एंड डी का वैल्यू 32 माइनस 34 इक्वल टू -2 हो रहा है, और ए एन जो है यानी कि लास्ट टर्म जो है वो 10 है। यहाँ देख लीजिए 10 है। अब हम लोग फार्मूला यूज करेंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू ए एन, और फिर इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे, जिसमें ए का वैल्यू 34, डी का वैल्यू -2 जो कि अभी हम लोगों ने निकाला, और ए एन का वैल्यू 10 है। फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए इस 34 को हम लोग इक्वल टू के इधर लेकर के आ जाएंगे, तो स्टेप हो जाएगा एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 इक्वल टू 10 माइनस 34। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो अगला स्टेप हो जाएगा एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 इक्वल टू -34। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग -2 को एन से भी मल्टीप्लाई करेंगे और -2 को -1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा स्टेप हो जाएगा -2n+2, क्योंकि -1 और -2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 होगा एंड दिस इक्वल्स टू -24। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस 2 को इक्वल्स टू के इधर लेकर के आ जाएंगे, तो स्टेप हो जाएगा -2n=-24 -2। फिर नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा -2n=-26, सो एन इक्वल टू 13, क्योंकि ये माइनस माइनस साइन जो है कैंसिल हो गया, और 26 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब हमारा टर्म निकल गया कि उस सीरीज में टोटल कितने टर्म थे। अब हम लोग सेकंड स्टेप में सम निकालेंगे, सम के लिए फॉर्मूला लेंगे, फिर इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे। चूंकि हम लोग का टोटल टर्म निकला था 13, इसलिए एस के जगह पर एस 13 लिख देंगे और एन के जगह पर 13 लिख देंगे, और ए का वैल्यू सीरीज के अकॉर्डिंग 34 था इसलिए 34 लिख देंगे, और लास्ट टर्म था 10 तो यहाँ 10 लिख देंगे। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाइड बाय 44, 34 प्लस 10 इक्वल टू 44। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 2 से 44 को कट कर देंगे तो आ जाएगा 22, तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 22 एंड दिस इक्वल टू 286, सो एस 13 इक्वल टू 286। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड वैल्यू 2 tan² 40° प्लस cos² 30° माइनस sin² 60° नाउ सॉल्यूशन 2 tan² 40° प्लस cos² 30° माइनस sin² 60° अब इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि tan 45° का वैल्यू, cos 30° का वैल्यू और sin 60° का वैल्यू। चूंकि यहाँ पर tan स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, sin स्क्वायर है, इसलिए उस वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, तो स्टेप हो जाता है 2 × 1² क्योंकि tan 45 का वैल्यू है 1 प्लस √3/2² क्योंकि cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 माइनस √3/2² क्योंकि sin 60° का वैल्यू होता है √3/2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 × 1² का वैल्यू हो जाएगा 2, और रूट 3 को जब हम 2 टाइम्स लिखते हैं तो 3 होता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 3, और 2 का जब स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, इसी तरह से इसका भी वैल्यू 3/4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म के लिए इन तीनों का एलसीएम निकाल देंगे, यहाँ 2 लिखा है लेकिन 2 के जगह पर हम लोग 2/1 भी लिख सकते हैं, तो 1/4 का एलसीएम हो जाएगा 4। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 8+6 −6/4। फिर इस स्टेप में हम लोग देख रहे हैं कि +6 और -6 है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 8/4, और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा वैल्यू 2। तो हम लोग इस तरह से लास्ट स्टेटमेंट लिख देंगे, सो 2 tan² 45° प्लस cos² 30° माइनस sin² 60° इक्वल टू 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, ड्रॉ अ टेंजेंट एंड अ सेकंड पैरेलल टू द गिवन लाइन पासिंग थ्रू द सर्कल। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्कल के बाहर एक गिवन लाइन है जिसके पैरेलल में आपको एक टेंजेंट भी बनाना है और एक सेकंड भी बनाना है, तो हम लोग इस तरह से उसे ड्रॉ करेंगे। ए बी गिवन लाइन है और ये सर्कल है, और सर्कल को जो लाइन दो पॉइंट पर कट कर रहा है वो सेकंड बन जाएगा, यानी कि सी टी सेकंड बन जाएगा, एंड ई एफ जो कि सर्कल के सिंगल पॉइंट को टच कर रहा है वो टेंजेंट बन जाएगा। और लास्ट में हम लोग इस तरह से स्टेटमेंट लिख देंगे, हेयर सी डी इज द सेकंड बाय इंटरसेक्टिंग टू पॉइंट्स पी एन क्यू। देखिए पी एन क्यू पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड ई एफ इज टेंजेंट बाय इंटरसेक्टिंग सर्कल एट आर, आर पर इंटरसेक्ट कर रहा है।
Now question number 32. A tangent 4 cm is drawn to circle from a point 5 cm away from its center. Then find the radius. इस क्वेश्चन के लिए इस तरह का डायग्राम बनेगा. ये सर्कल है और ये टेंजेंट है. 4 सेंटीमीटर का टेंजेंट है जो कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है. 4 सेंटीमीटर का टेंजेंट है और ये टेंजेंट एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है जो पॉइंट सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर पर है. ओके, तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AP इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. यहाँ देख लेते हैं OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AP इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड OP इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल. OP रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा. नाउ एंगल OPA इक्वल टू 90 डिग्री. यहाँ 90 डिग्री बनता है. अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा OA स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर. यहाँ देख लेते हैं OA स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर. ओके, फिर सबके वैल्यू को पुट कर देते हैं तो OA का वैल्यू है 5, AP का वैल्यू है 4 और OP हमें निकालना है. फिर इसको सॉल्व करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है 25 इक्वल टू 16 प्लस OP स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 16 को इक्वल टू किधर लेकर के आ जाते हैं तो स्टेप हो जाता है 25 माइनस 16 इक्वल टू OP स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है 9 इक्वल टू OP स्क्वायर. और चूंकि OP स्क्वायर का वैल्यू 9 है इसलिए OP का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 9 और अंडर रूट 9 का वैल्यू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 33. देर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल टचेस द स्मॉल सर्कल देन फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसमें से छोटे वाले सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर का है और बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर का है. तब स्मॉलर सर्कल से जो टेंजेंट टच कर रहा है उस टेंजेंट का लेंथ निकालना है. तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग दो स्टेप में सॉल्व करेंगे. तो स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं. PQ इज द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल. यहाँ देख लीजिए PQ जो है वो लार्जर सर्कल का कॉर्ड है लेकिन स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है, यानी कह सकते हैं कि ये टेंजेंट है. We have OP equals to OQ equals to 5 cm radii of the larger circle and OR equals to 3 cm radii of smaller circle. Since PQ is the tangent to the smaller circle, therefore OR is perpendicular to the PQ. देख लेते हैं OR PQ के perpendicular है कि नहीं. OR PQ के perpendicular है. Okay? Now in triangle OPR and triangle OQR. OPR and OQR. Okay? Angle ORP equals to angle ORQ. Each angle 90 degree. ORP and ORQ. ORP and ORQ. दोनों 90 degree है, तो यहाँ 90 degree लिख देंगे. Okay? And OR equals to OR common. ये OR इस triangle के लिए भी है और इस triangle के लिए भी है. Next है OP equals to OQ. Radii of the circle. OP equals to OQ. Okay? Therefore, triangle OPR is similar to triangle OQR by RHS congruence and PR equals to RQ by CPCT. अब हम लोग स्टेप 2 करेंगे. स्टेप 1 में हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है. ओके, नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोग किसी भी एक ट्रायंगल को ले सकते हैं, चाहे तो इस ट्रायंगल को चाहे तो इस ट्रायंगल को. ओके, तो इन ट्रायंगल OPR इस ट्रायंगल को लिया जा रहा है और फिर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं OP स्क्वायर इक्वल्स टू OR स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर. OP स्क्वायर इक्वल्स टू OR स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर. ओके, और फिर वैल्यू को पुट कर देंगे तो OP स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 25 क्योंकि OP का वैल्यू था 5 और OR स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 9 क्योंकि OR का वैल्यू था 3 प्लस RP स्क्वायर. तो RP स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 16 क्योंकि 25 माइनस 9 इक्वल टू 16. चूंकि यहाँ पर RP स्क्वायर इक्वल टू 16 है तो RP का वैल्यू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर क्योंकि अंडर रूट 16 का वैल्यू हो जाता है 4. देयरफॉर PQ इक्वल टू 2RP इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. और हम लोग लास्ट स्टेटमेंट लिख देंगे देयरफॉर PQ कॉर्ड ऑफ द सर्कल इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. यहाँ हम लोग एक बार देख लेते हैं कि PQ 2RP के इक्वल है कि नहीं. PQ 2RP के इक्वल है क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ऐसा हम लोग प्रूव कर चुके थे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 34. द वॉल्यूम ऑफ टू सेम क्यूब्स इज 64 सेंटीमीटर क्यूब. इफ बोथ द क्यूब्स आर जॉइंड एंड टू एंड टुगेदर देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म्ड. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो सेम साइज का क्यूब है जिसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है. जब उन दोनों सेम साइज के क्यूब को ज्वाइन किया जाता है तो एक क्यूबॉइड स्ट्रक्चर बनाता है. तो उस क्यूबॉइड स्ट्रक्चर का सरफेस एरिया बताइए.
तो हम लोग इस तरह से फिगर बना देंगे। और क्वेश्चन में दिया है वॉल्यूम इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो हम लोग इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, वॉल्यूम की जगह पर ए क्यूब लिख देंगे और दिस इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। सो ए इक्वल टू 4, क्योंकि 64 का जब क्यूब निकालते हैं तो वैल्यू आता है 4। When two cubes of equal volumes are joined end to end, we get a cuboid such that its length L equals to 4 cm, breadth B equals to 4 cm and height H equals to 4 cm plus 4 cm equals to 8 cm. एक बार डायग्राम को देख लेते हैं। ये लेंथ है 4 cm और ये ब्रेथ है 4 cm और जब दो क्यूब को ज्वाइन किए हैं तो ये जो हाइट बना है वो 8 cm बन रहा है। ओके, अब हम लोग स्टेप टू में सरफेस एरिया निकालेंगे क्यूबॉइड का, तो फॉर्मूला लिख देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल और फिर सबके वैल्यू को पुट कर देंगे। तो स्टेप हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 4। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस 32 प्लस 32। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 80, इन सबको ऐड करेंगे तो 80 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू आ जाएगा 160 और हम लोग लास्ट स्टेप में लिख देंगे देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय द स्टूडेंट ऑफ 20 फैमिलीज। द डाटा ऑफ सर्वे इज गिवन इन बिलो फॉर्म बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिली। और ये डाटा दिया हुआ है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में मेंबर्स इन फैमिली लिखा हुआ है और फैमिलीज लिखा हुआ है और यहाँ इस तरह से डाटा दिया हुआ, यानी जिस फैमिली में मेंबर्स 1 से लेकर के 3 तक है वो फैमिली 7 है और जिस फैमिली में मेंबर्स 3 से लेकर के 5 तक है वो फैमिली 8 है, जिस फैमिली में मेंबर 5 से लेकर के 7 है वो फैमिली 2 है, इसी तरह से जिस फैमिली में मेंबर 7 से लेकर के 9 है वो फैमिली 2 है और जिस फैमिली में मेंबर 9 से लेकर के 11 है वो फैमिली 1 है। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्रीक्वेंट फैमिली 8 है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 3 to 5। तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हियर द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज 8, या 8 है एंड द क्लास करस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी इज 3 to 5। सो द मॉडल क्लास इज 3 to 5, यानी कि ये मॉडल क्लास हो गया। तो हम लोग लिख देंगे नाउ मॉडल क्लास इक्वल टू 3 to 5 और इस मॉडल क्लास में हम लोग देख रहे हैं कि लोअर लिमिट 3 है, तो हम लोग लिखेंगे लोअर लिमिट L ऑफ मॉडल क्लास इक्वल टू 3 और क्लास साइज निकालने के लिए हम लोग हायर लिमिट से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्लास साइज H इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। अब हम लोग स्टेटमेंट में सबको अलग अलग लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी F1 ऑफ मॉडल क्लास इक्वल टू 8, यहां देख लेते हैं F1 8 है। नेक्स्ट स्टेप, फ्रीक्वेंसी F0 ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास इक्वल टू 7, इसको भी देख लेते हैं, प्रीसीडिंग नंबर 7 है। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी F2 ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास इक्वल टू 2, यहां भी देख लेते हैं, यहां सक्सीडिंग नंबर 2 है। अब हम लोग मोड का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड होल मल्टीप्लाइड बाई एच, फिर सबके वैल्यू को पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 3 प्लस 8 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 7 माइनस 2 एंड होल मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर इसे सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 3 प्लस 2 बाय 7। पहले बहुत सारे क्वेश्चंस में छोटे छोटे स्टेप्स को मैं बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट कर रही हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हुआ 3 प्लस 2 बाय 7 और जब इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 3.286। ये मोड का वैल्यू है, इसलिए हम लोग लास्ट स्टेटमेंट लिख देंगे देयरफॉर द मोड ऑफ द डाटा अबव इज 3.286। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। देयर आर 3 कलर्ड बॉल्स ऑफ इक्वल साइज इन अ बैग, रेड ब्राउन एंड येलो। कृतिका सेलेक्ट्स अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग एट द बैग। लेट इट बी सेलेक्टेड, फर्स्ट इज येलो सेकेंड इज रेड, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी। इसमें कह रहा है कि एक बैग में 3 कलर के बॉल है, रेड ब्राउन और येलो। कृतिका एक लड़की है जो बिना देखे हुए बैग में हाथ डालती है और बॉल को निकालती है, तो इसमें से येलो बॉल और रेड बॉल का क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, सो इट इज इक्वली लाइकली दैट सी टेक्स आउट एनी वन ऑफ देम। लेट वाई बी द इवेंट, द बॉल टेकन आउट इज येलो, and R be the event, the ball taken out is red.
Now the number of possible outcomes is 3, क्योंकि बैग में 3 balls है, तो 3 times वो एक एक ball को निकाल सकती है। अब हम लोग फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन को लिखेंगे। द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट वाई इट मीन्स येलो इक्वल्स टू 1। 1 प्रोबेबिलिटी है, जब कृतिका बैग से बॉल निकालती है तो येलो बॉल एक बार ही निकलेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 लिख रहे हैं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल इक्वल टू 1/3, क्योंकि टोटल बॉल 3 है और प्रोबेबिलिटी येलो बॉल का 1 है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट के लिए आंसर लिखेंगे। द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट R, यानी कि रेड बॉल इक्वल्स टू 1। यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट होगा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल्स टू 1/3। अब सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन सी को करेंगे। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।